बिछड़ने का दर्द हर इंसान को होता है, और खासकर जिनसे आपका लगाव ज़्यादा हो तो उसे आप कभी भी अपने से अलग नहीं होने देना चाहते। ये लगाव आपको अपने परिजनों, अपने जानवरों, अपने आसपास के पेड़ पौधों, अपने फसलों या फिर किसी से भी हो सकता है। ज़रा सोचिए, अगर आपको कोई ये बोले कि जिस फसल को आपने लगाया है उसे समय से पहले काटना है, तो आपको कैसा लगेगा? आप भी सोचेंगे ना कि भला मैं ऐसा क्यों करूं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मुझसे भी कोई कहेगा तो मैं भी ऐसा ही सोचूंगा। लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि ऐसा करने से आपकी फसल को फायदा होगा या आपकी फसल की उपज बढ़ेगी, तो आप क्या करेंगे? पड़ गए ना सोच में? सोचना क्या है, आलू को कटिंग करने से फायदा है तो जरूर करेंगे। केवल किसी के कहने से नहीं करेंगे, जब कोई प्रमाण देगा कि ऐसा करने से अच्छा है, तुमको फसल अच्छा होगा, तो जरूर करेंगे। हाँ, इससे आलू का फायदा होगा तो कटाई जरूर करेंगे। बिल्कुल, अगर बात फायदे की हो तभी ऐसा करना समझदारी होगा। आज मैं बात कर रहा हूँ आलू के कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया के बारे में, जिसमें आपको आलू की कोड़ाई से पहले उसके पौधों को जड़ से काटकर उस खेत से हटा देना होता है। हमें पता है कि अगर आपने पहले ऐसा नहीं किया होगा तो आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा कि जिस पौधे को इतना मेहनत करके आपने इस अवस्था तक पहुंचाया है, हम उसे काटने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि ऐसा करने से आपकी फसल को काफ़ी फायदा होता है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि आलू की खेती में हमें किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। बीज का चुनाव एवं उपचार, खेत की तैयारी एवं आलू की रोपाई, सिंचाई प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन, आलू की कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया, आलू की कोड़ाई और आलू के कोड़ाई के बाद की प्रक्रिया। आलू के कोड़ाई के पूर्व की प्रक्रिया से पहले आइए देखते हैं कि हमारी पिछली वीडियो कीट एवं रोग प्रबंधन से कितनी बातें भैया और दीदी को याद है। दीदी, आपने कीट एवं रोग प्रबंधन वाला वीडियो देखी थी? हाँ भैया, हम लोग सब दीदी ने देखे थे। अच्छा, तो ये बताइए कि उस वीडियो से आपने क्या सीखा? भैया, पौधा निकलने के बाद कीड़ों से बचाव करने के लिए हर 10 दिन के अंतराल में निमास्त्र, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र बारी बारी से छिड़काव करना जरूरी है। बहुत अच्छा दीदी। और झुलसा बीमारी के बचाव के लिए पौधा निकलने के 1 महीने बाद 10 दिनों के अंतराल में M45 का घोल 4 से 5 बार छिड़काव करना चाहिए। दीदी, अगर रोग फैल रहा हो तो रेडोमिल का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर हर 7 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। हाँ भैया, हम लोग ने ऐसे ही किया था। सामान्यतः आलू की किस्म, बुआई का समय और क्षेत्र की जलवायु के अनुसार आलू की मुख्य फसल 120 से 150 दिनों में तैयार हो जाती है। इसलिए अच्छी आलू पाने के लिए किसानों को फसल उखाड़ने या कोड़ाई करने से पहले कुछ प्रक्रिया करने की सलाह दी जाती है। आलू के कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम झारखंड के इचाक ब्लॉक के खैरा गांव में हैं, जहां भैया और दीदी हमें ये दिखाएंगी कि ये क्रियाएं कैसे की जाती है। आलू को उखाड़ने से पहले किसानों को 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, कंदों को उखाड़ने से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें और खेत की मिट्टी को थोड़ा सूखने दें। इससे कंदों के छिलके मोटे और कड़े हो जाते हैं और उखाड़ते समय या उखाड़ने के बाद छिलकों के छिल जाने के कारण आलू खराब नहीं होंगे। आलू में मिट्टी के चिपकने की समस्या भी नहीं होगी। छिलके मोटे होने के कारण और उसमें मिट्टी नहीं चिपकने के कारण
कंदों में बीमारी के रोगाणु अंदर नहीं जा पाते हैं और ऐसे रोगमुक्त आलू को ज़्यादा समय तक रखा जा सकता है। किसानों को यह काम जरूर करना चाहिए। अगर संयोगवश कोड़ाई से पहले बारिश हो गई हो तो खेत को सूखने के बाद ही उसकी कोड़ाई करनी चाहिए। दूसरी बात, फसल के 100 दिन हो जाने के बाद यानी फसल के पक जाने की अवस्था में जब 2/3 से ज़्यादा पौधे की पत्तियाँ और तने पीले पड़ जाएँ तो पौधों को जमीन से सटाकर हंसिए से काट देना चाहिए। आमतौर पर यह काम अंतिम सिंचाई के बाद या फसल उखाड़ने के 2 हफ्ते पहले किया जाता है। इससे आलू के कंद मिट्टी के अंदर अच्छे से पक जाते हैं और उनके छिलके कड़े होने लगते हैं। पौधे को काट देने से पत्तियों और तने पर लगी बीमारियां कंदों में नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए कंद स्वस्थ होते हैं। इसके अलावा उनकी भंडारण क्षमता ज़्यादा होती है और ऐसे कंद बीज के लिए उपयुक्त होते हैं। अगर किसान अपना बीज रखना चाहता हो तो उसे ये प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए। कटे हुए तनों को खेत में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो इसमें लगी हुई बीमारी के रोगाणु आलू के कंद और मिट्टी में फैल सकते हैं। इसलिए काटे हुए पौधे को तत्काल खेत से निकाल देना चाहिए और उन्हें कंपोस्ट में डालकर खाद बना लेना चाहिए। आलू की कोड़ाई करने से पहले किसान कंदों की सही अवस्था की जाँच जरूर कर लें। इसके लिए एक तो पौधे उखाड़ कर देखें। अगर कंद परिपक्व हो गया है तो इससे लगी जड़ें सूख गई होंगी। अब कंद को उंगली से रगड़कर उसका छिलका छुड़ाने की कोशिश करें। अगर छिलका आसानी से नहीं छिल रहा हो तो समझे कि फसल कोड़ाई के लिए तैयार है। अगर छिलका आसानी से उतर रहा है तो कोड़ाई न करें और फसल को कुछ दिन और ऐसे ही छोड़कर कंदों को ठीक से पकने दें। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें, आलू के पौधे की कटाई कब करनी चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। अगर किसान इन बातों का ध्यान रखकर इनका पालन करें तो वे अपने घर पर भी आलू को ज़्यादा समय तक रख सकेंगे। छिलके मोटे होने और कंदों की पूरी तरह पक जाने के कारण आलू में से नमी का नुकसान कम होता है और वो बाद में सिकुड़कर झुर्रीदार नहीं होंगे या समय से पहले अंकुरित नहीं होंगे और स्टोर करने में समय पर वजन में भी ज़्यादा कमी नहीं आएगी। ऐसे कंद रोग के कारण नहीं के बराबर या बहुत कम सड़ेंगे। इस प्रक्रिया का पालन करने से कोल्ड स्टोर में रखे गए आलू के बीज भी अच्छे और सुरक्षित रहेंगे। अगर पहले बताए गए तरीके से उखाड़ने के 15 दिन पहले पौधे के तने नहीं काटे गए हों तो पत्तियों और तने के पूरी तरह से सूखने का इंतज़ार करें, तभी कोड़ाई करें। जब पत्ते और तने पूरी तरह से सूख कर भूरे ना पड़ जाएं तब तक कोड़ाई हरगिज ना करें और आलू को ज़मीन के अंदर ही रहकर ठीक से पकने दें। कई बार ऐसा होता है कि कोड़ाई करने के मौसम में हल्की बारिश या बदली जैसी जैसा माहौल हो जाता है, ऐसी स्थिति में कोड़ाई हरगिज ना करें और जब मौसम खुल जाए, धूप हो जाए और मिट्टी हल्की सी सूखी हो तभी आलू की कोड़ाई करनी चाहिए। इस प्रकार आप भी अपने आलू के फसल में आलू के कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया कर इसके उपज की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आलू के कोड़ाई और उसके बाद की प्रक्रिया कैसे किया जाता है। तब तक आप सभी किसान अपने आलू के कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया कीजिएगा। और हाँ, एक जरूरी बात, गुर्दे की पथरी में केवल आलू खाते रहने पर बहुत लाभ होता है। पथरी के रोगी को केवल आलू खिलाकर और बार बार अधिक पानी पिलाते रहने से गुर्दे की पथरियां और रेत आसानी से निकल जाती हैं। समझौता न करने वाली बातें। आलू की कोड़ाई से 10 से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। जब फसल में 2/3 से ज्यादा पौधे की पत्तियां और तने पीले पड़ जाएं तो पौधों को जमीन से सटाकर काट देना चाहिए। Thank you.